हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जो ब्लॉग है दशहरे वाले दिन शुरू हुआ था और कल के दिन जो है ये ब्लॉग ख़त्म हुआ, मतलब मंडे को, और आज मंगलवार को ये आपको मिल जाएगा। मंगलवार को ही मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो ना जाए, एक दिन छोड़ के जाए, लेकिन 2 से 3 दिन का गैप हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। सभी के यहाँ कोई भी त्यौहार होता है, सबकी अपनी अलग तरह की पूजा होती है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अब मेरा तरीका तो, मैं सच बताऊँ, मुझे तो, मैं तो भाभी को ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होगा। और कई बार जैसे कमेंट आ जाता है कि आप त्यौहार एक ही साथ कर लिया कीजिए। पता है, अगर हमारे घर एक साथ होते ना, मतलब जैसे बीच में, क्योंकि चाची जी का घर है, चाची सास का, तो हम एक ही घर हो जाता हमारा, फिर हम एक ही जगह कर लिया करते। अब अलग अलग घर होते हैं तो ऐसे होता है कि हाँ, दिया जोत जो है, पूजा या त्यौहार हर, मतलब उनके घर भी होना चाहिए, मेरे घर भी होना चाहिए, तो इस वजह से। वरना पहले हम करते थे साथ साथ में ही करते थे। और अभी यहाँ पे फिर मैं शॉप पे आ गई थी और दाल चावल बने हैं दशहरे पे। मुझे लगता है मोस्टली सबके यहाँ पे दाल चावल ही बनते हैं और रायता बनता है। रायते में क्या होता है, किसी किसी के यहाँ पे लौकी का रायता बनता है। तो यहाँ पे खाना हमने टिफ़िन में ले आए थे, मेरा और खुशी का है। तो दाल चावल है, दाल ये वाली बनाई है मसूर की, क्योंकि रात को कुछ भी जो है भिगोना याद ही नहीं रहा। शॉप के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। चलो खुशी आगे उठ के खुशी को बाय करते हैं। बाय, सो जाओ थोड़ी देर और। हाँ, संडे है, सो जाओ। लेट जाओ, उठ जाना आराम से। तुम्हारे चक्कर में तो इतना धीरे धीरे किया। चलो बाहर से पहनूंगी जुत्ती, तो गिलास विलास इधर उधर सब पड़े हैं, उठा लेना, ठीक है। चलो बाय। तो अब आप ही देख लीजिए दशहरे वाले दिन का व्लॉग, फिर अगले दिन का व्लॉग, और अब ये आज भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, अब कल सोमवार को ये कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर बस हम लोग वापस जा रहे थे। पूरा दिन कैसे निकल जाता है बाहर निकलने के बाद पता ही नहीं चलता, बस थक जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, मैं भी और विपिन भी। लेकिन क्या करें, काम है, करना पड़ेगा। अब पता है क्या, जैसे रात हो जाती है, अभी तो खैर दिन उतने छोटे छोटे तो हो गए हैं, लेकिन जैसे धुंध वुंध नहीं पड़ती है, वरना तो रात को रुकना पड़े। अब अगर होटल का कमरा लेके लो रुको, उसमें और खर्चे होते हैं, सारी चीज़ सोच के चलनी पड़ती है। पर आगे आगे ऐसा करना पड़ सकता है जब दिन छोटे हो जाएंगे, मतलब धुंध पड़ेगी तब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है नेहा की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शुरू हुआ है, और ये वीडियो पिछले 3 दिन का है, मतलब दशहरे वाले दिन का, फिर कल का और आज का। तो 3-3 दिन में जाके मेरे वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इन दिनों। और आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, तो बातें यहाँ करती हूँ या शॉप पे जाके करती हूँ कुछ नहीं पता, कुछ बातें करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे खड़ी हुई है नेहा मैडम। नेहा ने शुरू करवाया है व्लॉग कि अपने व्लॉग में मेरे को दिखाओ, मेरे बाल दिखाओ, क्योंकि नेहा ने हल्की हल्की कटिंग कराई है नीचे से, जो कि मैं देख पा रही हूँ, जो इसने मेरे को बताया नहीं है। और साथ ही साथ इसने कराए हैं अपने बाल स्ट्रेट, परमानेंट वाले जो होते हैं, परमानेंट मतलब जो 1 साल तक चलते हैं। जैसे देखो, मेरे अभी बालों में बल पड़ने लग गए हैं, और मुझे भी कलर वगैरह देखती हूँ करवा चौथ पे टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, या करवा चौथ के बाद, क्योंकि इस टाइम पे इतना सीज़न चल रहा है, मेरे पीछे भी कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। ऐसे तो नहीं है कि भाई 50 कस्टमर एक साथ या 10 कस्टमर एक साथ, पर हाँ ऐसे हो रहा है, पहले एक आ रहे हैं, फिर एक आ रहे हैं, फिर एक आ रहे हैं, तो पूरा दिन चलते रहते हैं। और जब हमारा इस तरीके से काम शुरू होता है और ये इस तरीके वाले कस्टमर भी आते रहे ना, तो बहुत ज़्यादा और तो होता है, और उसी में ही हमें सांस नहीं मिल पाता है। तो अभी नेहा से मैं वो भी बात करी थी कि नेहा तू देख ले पूरा दिन के लिए मेरे पास ही रह ले, और मतलब घर भी देख लियो और वहाँ पे भी आ जाइए, वहाँ पे भी काम हेल्प हो जाएगी मेरी। और विधि तो मेरे साथ है ही है, बाकी देखो विपिन का बहुत सपोर्ट है मुझे,
क्योंकि उनका भी अपना ही बिजनेस है, तो वो उसमें किसी के वो नहीं है कि भाई मुझे जाना है। नौकरी में तो क्या होता है ना, बंदा सपोर्ट नहीं कर पाता है, पहले भी करते थे, पहले इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जो नौकरी है वो थोड़ा वो कर दी है, छोड़ी दी है एक तरीके से, बस उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं वो। और उनका एक बिजनेस है जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला है, जो कि आपको पता है बिजनेस क्या मतलब, अभी स्टार्टिंग भी नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, अच्छा जम चुका है। बल्कि कई सारे लोग तो व्लॉग देख कर भी विपिन से संपर्क करते हैं और आते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह विपिन ने उनको दिलवाई हैं। मैं यहाँ पे उनका प्रमोशन या उनके काम के बारे में मैंने बताया ही नहीं है, हाँ कभी जिक्र हुआ है तो उन लोगों को पता चल गया है, तो वो विपिन का नंबर ले लेते हैं और आज आज भी जो है वो किसी को भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो वो काम ऐसा है जिसमें वो मेरी हेल्प बहुत अच्छे से कर देते हैं रोज, तो जैसे मॉर्निंग और नाइट में तो कर ही देते हैं, कई बार दिन में भी उनको टाइम मिल जाता है। कई बार क्या है कि वो नहीं आ पाते हैं, वो बिजी हैं, किसी के साथ मीटिंग है, कहीं बैठे हैं, कहीं दूर हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, कई बार फिर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है किसी तीसरे बंदे की भी, ऑनलाइन काम भी है ऑफलाइन काम भी है। तो नेहा से वही बात कर रही थी, तो नेहा अभी बिहार से आके बताएगी कि जो है वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अभी नेहा के बाल दिखाते हैं आप लोगों को, चलो भाई नेहा उधर खड़ी हो दरवाजे के पास या बाहर, क्योंकि इधर से ना सही से दिखेंगे नहीं। इसकी रिक्वेस्ट है भाई मेरे बाल दिखाओ, तो दिखाने तो पड़ेंगे भाई। ये देखो भाई नेहा के बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल पीछे कर, पूरे पीछे कर, पूरे पीछे कर। ये देखो नेहा के बिल्कुल काले काले बाल हैं, जैसे काले रंग। तू तो कलर भी करा रही थी, कराए नहीं अभी, क्यों? 2 दिन बाद कराऊंगी। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया होगा। हाँ हाँ, अभी कलर मत कराइयो हो इनपे, 2 दिन बाद नहीं, अभी 10 दिन तक मत कराइयो। मेरे साथ भी हुआ था कलर, जो है मैंने बाद में कराया था, उन्होंने भैया ने मना कर दिया था। हाँ तो ये देखो नेहा के काले घने बाल, बहुत सुंदर। नेहा का लुक दिखाऊं? चलो नेहा सामने से मुंह दिखाओ। हेलो, ये देखो नेहा, और नेहा ना आज मांग में सिंदूर डाला है, तो मुझे बड़ी सुंदर लग रही है क्योंकि ये बहुत कम डालती है। डालती हूँ बाकी किसी की पता ही नहीं चलता है। अच्छा आज दिख रहा है, अच्छा पीछे अच्छा, डालती है इधर सोजे है ना, इसी वजह से तो ऐसे सुंदर लग रहा है ऐसे। वाओ वाओ, तो बाकी बहुत गर्दन दुख रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। कल नेहा ने छुट्टी की थी, कल आई नहीं थी क्योंकि कल ही कराए थे। चलो सुंदर लग रहे हो, सब कमेंट करेंगे वाओ नेहा वाओ। लाइक भी कर दे करना। हाँ कर देंगे। चलो तो अभी मैं रेडी होती हूँ, मैंने अपना ये वाला सूट पहना है और मुझे करना है अपना बिंदी लगानी है, हल्का सा फेस पाउडर लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी, कोई देखती हूँ कौन सी लगाती हूँ। और मुझे भी पार्लर वाले भैया को फ़ोन करना है क्योंकि मुझे ये हेयर अपने वैक्स कराने हैं, फेशियल हेयर जो है ये। अब आज हो गई है 14 तारीख है शायद आज, तो भैया को कॉल करना मैं सोच रही हूँ, बार बार मैं भूल जाती हूँ किसी ना किसी चीज़ में लग के, और पता नहीं मैं आज आप लोगों से बात करनी है कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कई बार ना मैं भूल जाती हूँ। कई दिनों से जा रही हूँ मैं आपसे कुछ बात करना, भैया को फ़ोन मिला लिया, पहले पूछ ही लूँ भैया आज आ जाऊँ क्या, क्योंकि फिर दाने निकलेंगे ना बहुत ज़्यादा। भैया ने कॉल डिसलाइन कर दिया, बिजी है शायद, तो मैं उनसे पूछूँगी, उनका कॉल आ गया। हेलो हेलो, तो मैंने पार्लर वाले भैया से बात की, फिर मैं जो है उसके थोड़ी देर बाद रेडी शेडी होके बिंदी वगैरह लगा के आ गई थी शॉप पे। और शॉप पे आने के बाद सबसे पहले अपना ये लैपटॉप चालू किया, कनेक्ट किया इसको अपने व्हाट्सएप से, फिर उसके बाद आगे के जैसे ऑर्डर्स चालू करें, क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं जैसे मान लो मैं घर पे हूँ, कोई नाइट में ऑर्डर डाल रहा है तो वो ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि स्टॉक है इस चीज़ का। जिस चीज़ का स्टॉक नहीं होता वो भी पता ही रहता है, कोई भी दुकानदार है उसको पता ही होता है क्या चीज़ हमारे स्टॉक में है क्या नहीं है, तो ये ऑर्डर्स चलते रहते हैं घर से भी। तो फिर उनको शॉप पे आके अलग करना, उनके नाम के साथ करके फिर पैकिंग चालू करना, फिर निकलना, ये सारा काम है मेरा, जो कि आप लोगों को भी पता है, कुछ नया नहीं है, आप लोगों से कुछ नहीं छिपा, आप लोगों को सब पता है मेरा। तो फिर भी लेकिन देखो डेली का वही है मेरा तो व्लॉग में, और आप लोगों को बोलते हो कि भाई नहीं चलेगा हमें तो ये सब देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ उस चीज़ के लिए कि ठीक है यार, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे प्यार दे रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है डेली सेम चीज़ देखने में।
और देखो डेली लाइफ जो होती है वो मेरी नहीं किसी की भी हो, वो लगभग एक जैसी ही होती है डेली, क्योंकि वही वाले बच्चे हैं अपने, वही हस्बैंड है, वही घर है, वही हम हैं, वही सारी चीज़ें हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें रहती हैं डेली देखने में भी। पर ये होता है कि देखो कुछ आप घर में हो तो कुछ न्यू कर सकते हो, कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर सकते हो, या आप कहीं जा सकते हो। फिलहाल तो आप देख रहे होंगे मेरी लाइफ से कहीं जाने का भी ख़त्म ही हो चुका है, कहीं जाती भी हूँ तो वो अपने काम के सिलसिले में जाती हूँ, और वहाँ व्लॉग बनाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, दिमाग में ही नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा फिर इस तरीके की मेरी जो लाइफ है हो चुकी है। घूमने का प्लान है, कहीं जाएंगे, ट्रिप जो है सोच रहे हैं कहीं ना कहीं का, पर अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि काम से फ्री होके एक रिलैक्स तो बनता ही है, तो वो फिर बच्चों के साथ समय बिताएंगे, भले ही 4 दिन के लिए शॉप से गायब हों या 5 दिन के लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कितना सारा माल उतरा हुआ है और कितना सारा हम ओपन कर चुके हैं, तो बहुत बहुत कृपा है माता रानी का, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम आके बिज़ी हुए हैं तो काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए सुबह से रात हो चुकी है और विपिन आ चुके हैं शॉप पर, लक्की भी आ जाता है आजकल हमारे पास शाम को शॉप पे। लक्की की शॉप यही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये लगा लो 1 या 1.5 मिनट के करीब पहले उसकी पड़ती है, अगर लोग रोड से आएंगे तो बाद में मेरी पड़ेगी, और अगर इस तरफ से आएंगे तो पहले मेरी पड़ेगी, फिर 1-1.5 मिनट बाद लक्की की शॉप पड़ेगी। तो यहाँ पे ना बाल खुले देखो मैंने अभी खोले हैं, मेरे पता नहीं क्या हो जाता है बाल बांध के ना यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज। देखो ये क्लेचर अभी अभी जस्ट मैंने बाल खोले हैं, बहुत ज़्यादा मेरे इसकी वजह से फिर मेरा ये भी भारी हो जाता है। एक मेरा ये क्लेचर पुराने वाला टूट गया ना, ये वाला है, जब से ये लगा रही हूँ तब से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। फालतू लाइट्स मैंने बंद कर दी है क्योंकि फालतू लाइट्स अच्छी नहीं होती है। और हमारी मैम से मिली है, मैडम को ड्रेस चेंज किया है आज हमने, और एक बात है जो भी मैडम को ड्रेस लगती है वो ड्रेस जो है जल्दी सोल्ड हो जाती है, तो इसलिए मैडम की हम ड्रेस चेंज करते रहते हैं। और बाकी काम तो चल ही रहा है, ऑर्डर्स का मैं ले रही हूँ ऑर्डर्स। बाकी मैं सोच रही थी कि बात तो कर नहीं पाई आपसे जो मुझे करनी थी, यहाँ पे भी इधर भी चल रहा है, देखो रात का टाइम है, और मैं जो है दो लोग काम कर लेते हैं इस तरीके से एक ही नंबर को चला के, एक जना यहाँ से कर लेता है लैपटॉप से और एक मोबाइल से कर लेता है, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। घर जाऊंगी, मेरा फास्ट है आज मंडे का, और इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ पर हो और चाहे वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के भी बहुत सारे लोग मुझे जो जानते हैं लोकल से वो आते हैं तो वो कहते हैं हम आपके ब्लॉग्स भी देखते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि और अभी तो हमें देखो सेलिब्रेशन भी करना है, तो कार्तिक का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोची हूँ यार कार्तिक का बर्थडे भी आ रहा है, बार बार बाहर का खाना हो जाता है, फिर या घर पे करूँ, आप लोग मुझे बताना घर पे करूँ, भाभी और की फैमिली, हमारी फैमिली और जो और भी फैमिली है हमारी, ऐसा नहीं है बस थोड़ा भाभी और जो है वो है थोड़ा सा जैसे होते हैं भाई सगी देवरानी जेठानी वाले, बाकी हमारा सबसे बहुत प्यार है, चाहे वो बाला भाभी हो चाहे वो मीनू भाभी हो, मासी और हो चाची और हो, सभी से बहुत प्यार है। तो मैं सोची हूँ कि यार चलो कुछ करते हैं, मिठाई का डब्बा दे दूँ उधर भी, क्योंकि उस दौरान ना नवरात्रे चल रहे थे। एक सोच रही हूँ कथा, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ ना, और पता है सबसे बड़ी बात अभी सोचने का भी टाइम नहीं है, शॉप कर तो ली, करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, धीरे धीरे 2-4 महीने बाद 1 साल ही हो जाएगा, अच्छी चीज़ है, काम भी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन टाइम भी फिर उतना ही लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक दो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं शैम्पू और मास्क दिखाने के लिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मुझे यहाँ आके याद आता है जब भी मैं बालों को अरे यार किसी ने बोला था, तो ऐसे करके। तो भाई अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, जो आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी वो भी मैं नहीं कर पाई, अब मैं पता चला मैं भूल ही गई, फिर 2-4 हफ्ते बाद या 1-2 हफ्ते बाद या फिर 10-12 दिन बाद याद आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।